हाय गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं प्रियंका और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं डॉक्टर शेट्स की सनस्क्रीन के बारे में ना सन्स्क्रीन इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आई स्क्रीन के रूटीन चाहे तो आप मेल हैं या फीमेल हैं सनस्क्रीन तो आपके लिए मस्ट है क्योंकि सन की जो रेज़ है ना बहुत ज़्यादा डैमेज करती है स्किन को और आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है ना तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ क्या क्या डैमेज हो सकता है तो आप सबसे पहले तो सनस्क्रीन अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो सनस्क्रीन आप यूज़ कर लीजिए

जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है आज जो इस टाइम पे अवेलेबल है दैट इज सेरामाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन इनका जो दो वेरिएंट और है दैट इज सेंटेला एशियाटिका एंड ना एंड हाइलूरोनिक एंड हल्दी एंड सेरामाइड एंड विटामिन सी आई थिंक ये तीन ही इसमें वेरिएंट अवेलेबल है जिनके 50 ग्राम और 80 ग्राम के पैकेजेस अवेलेबल हैं ये 50 ग्राम का प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस आई थिंक 499 है और जो 80 ग्राम का प्रोडक्ट है उसकी प्राइस आई थिंक 699 है जो कि मैंने नाइका से लिया था तो मुझे थोड़ा बहुत ऑफ मिल गया था तो आप भी ऑनलाइन ही परचेस करें आई वुड रिकमेंड तो मैं बात करूं पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के बारे में दैट इज सेमाइड एंड वाइटमिन सी सनस्क्रीन तो अगर आपने अपने स्किन को सन को दिखा दिखा कर सन को दिखा दिखा कर डैमेज कर लिया है ऑलरेडी तो ये सनस्क्रीन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है बिकॉज इट है ना क्या होता है सेरेमाइड जो होता है वो आपके स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है अगर आपके स्किन का जो बेरियर है स्किन बेरियर वो अगर वीक हो गई है तो उसको ये यू नो वीक जो हो चुकी है उसको ये वापस से रिकवर करता है कह सकते हैं फिर से स्ट्रोंग बनाता है और सेरामाइड uh, मोस्टली आप इस जो पर्टिकुलर ये सनस्क्रीन में जो यूज़ किया गया है उसके हिसाब से ये आपकी स्किन को मॉइस्चर करता है और जो आपकी स्किन जो सन से डैमेज हो सकता है उसको प्रिवेंट करता है आपके स्किन की जो बेरियर है उसको स्ट्रॉन्ग करके ओके और विटामिन सी है विटामिन सी के बारे में आप सभी जानते हैं मैं बात कर लूँ एस के बारे में तो ये आता है एस पी के साथ पी ए ट्रिपल प्लस एंटी पॉल्यूशन एंड एंटी विजिबल लाइट पॉल्यूशन से आपकी स्किन को प्रिवेंट करेगा एंड इस विजिबल लाइट का कहने का मतलब ये है कि स्किन स्क्रीन जो आप यूज़ करते हैं जो, जो भी ब्लू लाइट स्क्रीन होती है उससे आपकी स्किन को प्रिवेंट करके रखेगा इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 24 फोर मंथ्स ट्वेंटी फोर मंथ्स की इसकी शेल्फ लाइफ है और ये टेस्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है डर्मेटोलॉजिस्ट ने इससे फॉर्मुलेट किया है तो ये इसमें ऑलरेडी इस लिखा हुआ है कि ये सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप बट स्टिल इन्होंने इसमें रेकमेंड किया है कि आप पैच टेस्ट जरूर कर लें बहुत ज़रूरी है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप डेफिनेटली इसको पैच टेस्ट ज़रूर करें और मैं बात कर लेती हूँ इसके कॉन्सेंट्रेशन के बारे में तो इसमें वन परसेंट सेरेमाइड कॉम्प्लेक्स है जो कि स्टिल मैंने अभी आपको बताया मॉइस्चर एंड बैरियर और इसमें टू परसेंट वाइटामिन सी कॉम्प्लेक्स है जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ वाइटामिन सी का इन्होंने कॉम्प्लेक्स लिया है और मैं बात कर लूँ वन परसेंट हेलोरानिक एसिड है हेलोरानिक एसिड आपकी स्किन में जो वाटर कॉन्टेंट है उसको लॉक करके रखता है उसको कहीं पर भी जाने नहीं देता जिसकी वजह से आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है राइट right? और इसमें है मिनरल एर एंड ऑर्गेनिक फिल्टर्स सो देगा तो ये दोनों तरीके से काम करता है क्योंकि इस पर लिखा है मिनरल एंड ऑर्गेनिक फिल्टर्स तो ये आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करने वाला है सन रेज से आपको इसका फॉर्मूला दिखा देती हूँ कि किस तरीके का है ये आ, इसकी कंसिस्टेंसी इसका टेक्स्चर इसका फ़ील कैसा आता है आ, कौन सी स्किन वालों के लिए ये परफेक्ट है तो ये कुछ ऐसा थिक क्रीम क्रीमी फॉर्म में है ये दिखने में बिल्कुल बहुत ज़्यादा थिक क्रीमी फॉर्म दिखता है आपको लगेगा नहीं कि आप ऑयली स्किन वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं बट कर सकते हैं तो मैं इसको अप्लाई करके कर दिखा देती हूँ इसके फील की बात करें अप्लाई करने की तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है बिल्कुल वाटरी टेक्सचर है दिखने में मजा आइए थिकने दिखने में काफ़ी ज़्यादा थिक है बट ये काफ़ी ज़्यादा वाटरी टेक्सचर है, है आ, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है नो वाइट कास्ट कुछ भी नहीं कोई भी ग्रीसी नहीं है ऑयलीनेस नहीं है बिल्कुल नहीं है ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि यू you नो know, कोई ग्रीसीनेस नहीं है ऑयलीनेस नहीं है और मैं बात कर लूँ ड्राई स्किन वालों के लिए ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है राइट ऑब्वियसली अंडरनीथ आप मॉइस्चराइजर लगाने ही वाले हैं और सेंसिटिव स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन आपके लिए भी ये सूटेबल है सेंसिटिव uh, स्किन वालों के लिए रिकमेंड रहेगा कि आप टेस्ट ज़रूर कर लें प्रीन को आपको कैसे अप्लाई करना है तो मॉर्निंग uh, में जब आप फेस वॉश कर लें तो uh, आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है और उसके बाद आपको सनस्क्रीन अच्छी तरीके से थ्री फिंगर क्वांटिटी में जो कहते हैं टू फिंगर क्वांटिटी कहते हैं सॉरी तो टू फिंगर में आपको उसको अप्लाई करना है देखिए इस तरीके से टू फिंगर में मैंने इसको निकाल लिया है बड़ी मुश्किल से निकाला है क्योंकि ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था और इसको आपको अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेना है और अप्लाई करने के बाद में इसमें जो रेकमेंडेशन दी हुई है दैट इज़ आपको इसको अप्लाई करके 15 टू 20 मिनट्स एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट्स आपको इसको टाइम देना है अब्जॉर्ब होने के लिए आपके स्किन में उसके बाद आप उसको लेयर आउट कर सकते हैं कॉम्पैक्ट फाउंडेशन जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसके बाद आप सन पे जा सकते हैं एवरी टू टू थ्री आवर्स आपको इसको री अप्लाई कर मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रही हूँ स्किन पे काफ़ी सूट भी कर गया है तो आई होप सबकी स्किन को सूट कर जाए तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्रोडक्ट uh, की रिव्यू पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक like ज़रूर कर दीजिएगा इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन ज़रूर मिल जाता है और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय टेक केयर स्टे हैपीलेस